और ब्रेक के बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दे, लग रहा है कि आज संन्यास का दिन है क्योंकि अब सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसी बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है और अब ठीक आधे घंटे के अंतर में सुरेश रैना के संन्यास की खबर सामने आ रही है। क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि वो काफी वक्त से टीम से बाहर चल रहे थे सुरेश रैना, लेकिन आईपीएल में वो नजर आते थे, आईपीएल खेलते थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में वो काफी वक्त से नहीं दिख रहे थे और अब सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना, जो कि मिडिल ऑर्डर में एक उपयोगी बैट्समैन की भूमिका उन्होंने निभाई है और कई नाजुक मौकों पर वो मैच निकाल कर ले गए, टीम को जीत भी दिलाई, लेकिन काफी वक्त से सुरेश रैना टीम से बाहर चल रहे थे और अब खबर ये मिल रही है कि सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो आज दो बड़े संन्यास, पहला महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा अब सुरेश रैना के बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि सुरेश रैना ने अपना जो वनडे इंटरनेशनल डेब्यू है वो जुलाई 2005 में श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने अपना पहला मैच खेला था और जो उनका आखिरी वनडे मैच था वो 17 जुलाई 2018 को खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये मैच सुरेश रैना ने खेला था, यानी कि 2018 के बाद से, जुलाई 2018 के बाद से सुरेश रैना ने कोई भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। और जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास का ऐलान हुआ उसके कुछ ही मिनट के बाद सुरेश रैना ने भी अपने